माई ब्यूटिफुल सोल्स वेलकम टू माई चैनल आई होप यू ऑल डूइंग वेल आज हम मार्च 2022 की रीडिंग देखेंगे मंथली रीडिंग है चाम्प भी मैं देखूंगी इंट्यूटिवली आप ऑप्शनस को चूज़ कीजिए स्क्रीन पर ऑप्शन आएंगे एक ऑब्जेक्ट को चूज़ कीजिए वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल लाइक एंड शेयर दिस वीडियो नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिएगा ऑल ऑप्शन पर ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे पर्सनल रीडिंग की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ आप स्क्रीन पर जो जप्शन आएंगे इंट्यूटिवली चूज़ कीजिए थैंक यू चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ वेलकम ग्रुप वन आपने रेड बटरफ्लाई चूज किया है चलिए देखते हैं मार्च 2022 ओके okay. मैं यहाँ पर एस्ट्रोडेक शफल करूंगी ओवरऑल एनर्जी कौन सी हाउस कौन सी प्लानेट आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी कौन सी साइन की एनर्जी इंपॉर्टेंट होगी मार्च 2022 ग्रुप नंबर वन के लिए थैंक यू थैंक यू मस्पीट गाइड चलिए थैंक यू अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स हैं थैंक यू थैंक यू मसप्रीत गायक थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच थैंक यू मुझे बॉटम ऑफ द डेक में सैटन एनर्जी देखी तो कुछ टाइम से आपकी कुछ रुकावटें चल रही हैं माइडे मतलब आ, कुछ चीज़ आप करना चाहते हो कुछ भी हो या फिर मैरिज तय नहीं हो रही है आप कुछ बिजनेस या फिर कोई अकाउंट आप खोलना चाहते हो कुछ भी हो सकते हैं मतलब कुछ रुका हुआ है आपका चीज़ एंड ये मार्च का एनर्जी नहीं है सम चल रहा है आपकी लाइफ में ग्रुप नंबर वन थैंक यू ओके मेन एनर्जी फायर मार्स वाव फायर एंड मार्स एनर्जी है ओके अंत मडकरी इट्स ए ह्यूज कम्युनिकेशन नंबर वन कम्युनिकेशन एंड दूसरी है आप अपने शब्दों की जाल से किसी को कन्वेंस कर पाएंगे माइटियर एंड सामने वाला अगर शब्दों से कन्वेंस नहीं हो रही है आपके मुँह के शब्द से वो सामने वाला नहीं मान रहा है तो यहाँ पर आपकी मतलब वो कहते हैं ना कटर के जैसे जुबान चलेंगे जैसे बाण छूटेगा मुँह से मुझे यहाँ पर वो भी वाइब्स आ रही है क्रोध को नियंत्रण कीजिएगा एंड कुछ व्यूअर्स के लिए यहाँ पर फर्टिलिटी पैशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा कुछ व्यूअर्स की मार्स और मरकरी रेट्रो हो सकती है इवन मैं डी डी वन चार्ट की बात करें गोचर कुंडली की नहीं तो यहाँ पर अगर मरकरी रेट्रो है तो स्किन डिजीज इशू मुझे नज़र आ रही है स्किन और डेंटल दांत से जुड़ी इशू मार्च ट्वेंटी ग्रुप नंबर वन या अपनी स्किन का ख्याल रखिए अपना सेल्फ केयर कीजिए माय डियर आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड हो सकता है मार्च ट्वेंटी में तो वाटर एलिमेंट को बैलेंस कीजिए पानी पीने की ज़रूरत है जरूर मतलब जितना पीते थे उससे कहीं ज़्यादा मार्च में जरूरी है ग्रुप नंबर वन शब्द बोलने से पहले सोच समझ कर यहाँ पर बहुत ज़्यादा फायर एनर्जी है ओके थैंक यू मस्ट मस्पीड गाइड एक्चुअल में द फर्स्ट हाउस एंड द एथ हाउस रूल्ड बाय मार्स ओके okay? बट मुझे जितना मरकर प्रभावित नजर आज नज़र आ रही उससे कहीं ज़्यादा मार्स पर प्रभाव ज़्यादा होगा मतलब मार्स का एनर्जी आप पर हावी होगा तो यहाँ पर गुस्सा चिचड़ा स्वभाव इसको कंट्रोल करना होगा एंड दूसरी है यहाँ पर एथ हाउस की भी एनर्जी आ रही है बिकॉज ऑफ स्कॉर्पियन एनर्जी कुछ भी मतलब बिकॉज ऑफ फायर हेयर यहाँ पर इंटेमेसी काफ़ी स्ट्रांग होगा थैंक यू मस्पीट गाय थैंक एंड एनर्जी भी आई होप यू अंडरस्टैंड यहाँ पर एथ हाउस की एनर्जी हाउस ऑफ सेक्स एनर्जी भी यहाँ पर स्ट्रांग होगा थैंक यू थैंक यू थैंक यू एट्थ हाउस में मार्स अगर डेटो है तो यहाँ पर सेक्शुअलिटी सेक्शुअल एनर्जी को बहुत हाई बना देता है एक्सीडेंट प्रोन बनाता है थैंक यू थैंक यू मच थैंक यू चलिए देखते हैं मार्च ट्वेंटी टू थैंक यू ग्रुप नंबर वन के लिए Thank you. March 2022. yeah guidance spirit guide. Thank you. Thank you, my spirit guide. Thank you. Thank you, my spirit guide. May charms be they kungi me Thank you. Thank you. Thank you, my spirit guide. Thank you. Let's see. This is the bottom of the deck and your ओ माय गॉड ग्रुप नंबर वन में इसलिए बोल रही थी मार्स इज द डिवाइन फैम मैस्कुलर एनर्जी हियर एंड मरकरी भी युवक है कैसा युवक कैसा मतलब स्कूल से जैसे कोई कॉलेज में जा रहा है वो जो ट्रांजिशन फेज है दैट इज़ मरकरी जो एडल्टहुड स्टेज में बस पहुँचा पार्टनरशिप एंड गिफ्ट एनर्जी माई डी मैं आपको बड़ा मोटा देख देख भी दिखाना चाहता हूँ दिस इज एक्चुअली क्रिएटिविटी कोई जैसे म्यूजिक से जुड़ी हुए कुछ करना चाहते हैं बटरफ्लाई की एनर्जी एंड आपने बटरफ्लाई ही चूज़ किया है आपने रेड बटरफ्लाई चूज़ किया यहाँ पर ग्रीन रेड एंड ब्लू बटरफ्लाई है एंड तीनों बटर चार बटरफ्लाई बटर है यहाँ पर चार चक्रास मुझे दिखाई दे रही है पार्टनरशिप लव एंड गिफ्ट्स की एनर्जी अगर पति पत्नी के बीच जो रिलेशनशिप में है थोड़ी सी भी मनमुटाव चल रही है तो शायद गिफ्ट्स देने की ज़रूरत है एंड गिफ्ट्स आ भी रही है क्योंकि पार्टनरशिप लव कार्ड एंगेजमेंट का है मैरिज का हो सकता है माई आइडिया बिकॉज यहाँ पर कोई जैसे यूनियन पर आ रहा है बिकॉज ऑफ मर्करी यायर कम्युनिकेशन ऐसे पर्सन से आपको गिफ्ट्स मिल रही है जिसके साथ आपकी कम्युनिकेशन चल रहा है और थ्रू कम्युनिकेशन यहाँ पर थर्ड हाउस नेबरडर का है डे हम जो डेटिंग एप्स पे रहते हैं मेट्रोनल साइट पे रहते हैं वो भी हम थर्ड हाउस से देखते हैं तो यहाँ पर बहुत चांस बनी हुई है माय डियर आपको वो परफेक्ट पार्टनर आपको मिल जाए मार्च टन ट्वेंटी टू में दिस इज गिफ्ट एंड पार्टनरशिप एंड लव एनर्जी जो शायद बहुत टाइम से आपको डिज़ायर है माय डियर ओके थैंक यू सी कुछ और मैसेजेस थैंक यू मार्च 2022 ट्वेंटी यहाँ यहां पर फोको पॉइंट देखना चाहती हूँ आपकी फोको पॉइंट मार्च 2022 की फोको पॉइंट थैंक यू ओके थैंक यू कार्ड जंप होकर आई है माई डियर दिस इज एक्चुअली चेयरफुलनेस सेलिब्रेशन जैसे घर में कोई पार्टी फंक्शन हो रही कोई इनविटेशन आया हुआ है आप इनवाइट करो डेफिनेटली यहाँ पर आपका मेन फोको पॉइंट चेयरफुलनेस है माय डियर मैं देखना चाहती हूँ कि आप अवॉइड करोगे या फिर आपको करना चाहिए ग्रुप नंबर वन के लिए क्या अवॉइड करना है मार्च नाइन्टी टू में थैंक यू थैंक यू मस्पेट वेट थैंक यू क्या ओके थैंक यू थैंक यू ये लव कार्ड यहाँ पर इस मैं रिवर्स अपराइट कुछ भी मतलब ये लव एनर्जी ऐसे फ्लैट कंडीशन में आया हुआ था तो समाउ आपको लग रहा है कि प्यार में कुछ चेंजेस नहीं आएगा ये जो थॉट है आपका बिकॉज ये कार्ड लव कार्ड है ये कार्ड इस पोजिशन पर आया हुआ है तो सम हाउ इस थाट पैटर्न को आपको चेंज करना चाहिए माई डिया आपकी लाइफ में वो चेंजेस आ रही है एंड कुछ व्यूअर्स यहाँ पर इस थाट पैटर्न के साथ है कि मैं सिंगल ही रहूँगी अगर आप बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव चूजी बनोगे तो डेफिनेटली आप सिंगल ही रहोगे माईडिया तो साम एनर्जी में फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत है साम एक कार्ड जिस तरह से फ्लैट आया कांस्टेंट कॉन्स्टेंट बहुत टाइम से कॉन्स्टेंट मोशन में कुछ चल रहा है थैंक यू क्या अवॉइड करना है थैंक यू प्लीज़ गिव मी वन मोर कार्ड थैंक यू थैंक यू थैंक यू ओके थैंक यू मस्ट स्ट्रेट कार्ड थैंक यू ओके वन मोर कार्ड थैंक यू क्या अवॉयड करना है थैंक यू उड ओके कोई सिंगल मदर सिंगल फादर हो सकते हैं आप आपकी शादी पहले हो चुके हैं या फिर आ, कुछ ना कुछ वीडोर का मतलब ही है कुछ घाव है तकलीफ है एंड सम हाउ लव के लिए आप ट्रस्ट नहीं करते हो तो स्प्रीड गाइड आपको कह रही है कि अगर ऐसे थॉट पैटर्न आपका है कि प्यार नहीं मिलेगा रिलेशनशिप बनेगा नहीं मैरिज होगा नहीं इस थॉट पैटर्न को चेंज करो एवॉइड करो एंड दूसरी है जो पर्सन पहले आपको घाव दे चुका है दिस इज विडोअर एंड लव एवॉइड में आया हुआ है अगर वो फिर से वापस आ रही है बिकॉज ऑफ मार्स एंड फायर एनर्जी है और फिर से अगर वापस आ रही है सोच so समझ कर एक्शन लीजिए ओके थैंक यू मैं यहाँ पर टैरोट से भी देखना चाहती हूँ आपको क्या अवॉइड करना है एंड आपके लिए फोको पॉइंट थैंक यू थैंक यू फोको पॉइंट थैंक यू थैंक यू ग्रुप नंबर वन की फोको पॉइंट मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी टू में थैंक यू फोको पॉइंट थैंक यू थैंक यू फोको पॉइंट थैंक यू स्ट्रेंथ कार्ड एंड क्वीन ऑफ मॉन्स ओके थैंक यू एवॉइड क्या करना है ग्रुप नंबर वन को एवॉइड क्या करना है थैंक यू वेट कार्ड थैंक यू थैंक यू थ्री ऑफ शॉर्ट्स एनर्जी पास की कोई पर्सन अगर आपको टेम्पटेशन दे रही है आई थिंक आपको अवॉइड करना चाहिए एंड दिस इज द टावर एनर्जी हियर थैंक यू सेवन ऑफ कप्स एंड द टावर का डेफिनेटली को कुछ भी बिकॉज सेवन ऑफ कप्स एक ह्यूज ही है एक उलझन है हमें जैसे आँख में एक फोगी क्लाउडी वेदर बना देते हमें समझ नहीं आता कि डिसीजन क्या लेना है एंड हो सकता है कोई ऐसे पर्सन आपको प्रपोज प्र, या फिर प्रपोजल लेकर आए वीडोवर इनका कोई पास्ट हाटिक है या फिर कोई एक्स वगैरह हो सकते हैं मैक श्योर ये फिर से टावर मूवमेंट आपकी लाइफ में क्रिएट कर सकता है क्योंकि लव कार्ड फ्लैट आया हुआ था एंड दिस इज द वीडोवर एनर्जी कोई ऐसे एक्स और ऐसी कोई कंडीशन में कोई पास्ट आ, पहले कभी शादी कर चुका है पर्सन ऐसी कोई पर्सन की ओर से एक टावर मूवमेंट मुझे नज़र आ रही है माय डियर एंड टावर एथ हाउस का स्कॉर्पियो का एनर्जी है तो यहाँ पर नेगेटिविटी बहुत जल्दी आप अट्रैक्ट करोगे एनर्जी वॉलरेबल कंडीशन में हो सकता है तो कोशिश कीजिएगा आप अपनी एनर्जी और को क्लीन करें मार्च टन में एंड दिस इज़ एक्चुअली योर मेन फोको पॉइंट से दिस आप क्वीन ऑफ वॉन्स किंग ऑफ वांड्स की एनर्जी में हो चेयरफुलनेस द स्ट्रेंथ कट आप पास्ट को भूल कर एक नई शुरुआत करना चाहती हो अपने ओर में आप यूनिक होना चाहती हो कुछ लोग हेटर्स हैं ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है तो समाउ इस एनर्जी को डिस्टर्ब करना चाहेगा तो यहाँ पर आप डिपेंड्स ऑन यू कि कितना आप इन लोगों को मतलब इम्पोर्टेंस दोगे एंड से दिस आप ऑडा में होंगे द स्ट्रेंथ कार्ड आप रिकवर कर रही हो जो भी अगर वो हेल्थ इशू भी रहा है वो भी आप रिकवर कर रही हो बट समा मुझे यहाँ पर हेल्थ इशू नहीं आपकी फाइनेंशियल इशू हो सकती है और आपकी रिलेशनशिप इशू हो सकती है कि आप धीरे धीरे रिकवर करें लोग जेलस हैं एंड आपने बहुत हेटर्स पाल के रखा है ग्रुप नंबर वन मैं यहाँ पर देखना चाहती हूँ मेन एनर्जी थैंक यू मेन थीम मार्च हंड्रेटी की थैंक यू थैंक यू मस वेट का थैंक यू मार्च एंटी टू ग्रुप नंबर वन के लिए किया थीम है जो मेन एनर्जी आया हुआ है पार्टनरशिप लव एंड गिफ्ट एनर्जी एनर्जी बहुत ऑस्पिशियस है एंड शुभ नजर आ रही है माई डियर थैंक यू थैंक यू मस्पेट का थैंक यू सी दिस माई डियर एट ऑफ कप्स का एनर्जी है जो लास्ट की कार्ड है पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड एंड इमोशनल विथ कुछ लेट गो आप करोगे मार्स टू में एट एट एनर्जी एनर्जी बिकॉज अ पैशन इग्नाइटेड एंड दिस इज एक्चुअली द मार्स एनर्जी हियर तो सम हाउ यहाँ पर फर्टिलिटी पैशन एंड इवेन ए मैरिज भी कार्ड है माइड है पैशन इग्नाइटेड कोई ऐसे पर्सन डिवाइन मास्क्रन आपकी लाइफ में आए कुछ व्यूअर्स यहाँ पर ट्रेवल करेंगे एट ऑफ मॉर्न एंड दिस इज एट ऑफ कप्स कोई कुछ चीजों से पीछा छूटेगा मैं अगेन कह रही हूँ कुछ चीज़ों से आपका पीछा छूटेगा कुछ एडिक्शन यहाँ पर रिलीज होगी कुछ कुछ पर्सन को आप नो कहोगे मार्च थे बिकॉज आपका जो मेन फोको पॉइंट है क्वीन ऑफ मॉर्न्स इंडिपेंडेंट और सेल्फ मेड एनर्जी थैंक यू मैं आपको एट एट मतलब लॉट ऑफ एट एट मतलब ट्रिपल एट डबल एट ऐसा एंजल नंबर मार्च में अगर दिखाई दे रही है आपको सो so डेफिनेटली आपकी लाइफ में बड़ी परिवर्तन आने जा रही है छोटे छोटे एक मैसेज है साइन है स्पीड गाइड की ओर से थैंक यू मैं स्पीड गाइड थैंक यू चलिए मैं यहाँ पर देखना चाहती हूँ फॉर्चून ओडाकल से थैंक यू क्या मैसेजेस है आपके लिए थैंक यू मार्च ट्वेंटी टू थैंक यू ग्रुप नंबर वन के लिए क्या मैसेजेस है देन मैं चार्म्स देखूंगी थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू चेंज मैं आपको बोल रही थी ए चेंज ऑफ रेसिडेंस पार्टनर कैरियर जॉब इज ऑन द कार्ड्स यू आर रेसलेस एंड इन डीड ऑफ ए चेंज एंड दैट इज एक्जैक्टली व्हाट इज कमिंग योर हुआ मैं आपको बोल रही थी आपकी लाइफ में चेंज आने जा रहे हैं बेबी स्टेप्स में मार्च में जरूरी नहीं वो एकदम एक से पूरा एकदम वन एटी डिग्री आपका चेंज आ जाए बस स्टार्ट हो जाएगी बिकॉज एट एट एनर्जी का मतलब ही है परिवर्तन आना चाहिए एंड सेटन एनर्जी है थैंक यू वन कार्ड सेक्शुअलिटी मैं इसमें शुरू से इस एनर्जी uh, को मैं फील करी बिकॉज फायर एंड मार्स एनर्जी को देखकर कर यहाँ पर कुछ सेम सेक्स रिलेशनशिप में भी है हाई सेक्शुअल एनर्जी ह्योर एंड सी दिस एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप कुड फाइंड ए न्यू पैशन एंड हाई टेंट सेक्शुअल अट्रैक्शन मैं आपको बोल रही थी यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर मैरिज एंड गुड फैमिली लाइफ आर स्ट्रॉन्ग बट इफ सिंगल बी अवेयर ऑफ टेम्टशन दैट कुड लीड टू ट्रेवल मैं यहाँ पर टेम्पटेशन टावर कार्ड को देखकर कर ही बोल रही थी अगर आप सिंगल है सो बी केयरफुल माई डियर बी केयरफुल बिकॉज लव कार्ड आपके एवॉइड कार्ड में वो आ, आया हुआ है तो समहाउ एक टेम्पटेशन का एनर्जी आ रही है दिस इज़ केयर गार्ड योर सेल्फ अगेंस्ट डिशेप्शन बी केयरफुल ऑफ मेकिंग फुल इज मिस्टेक एट दिस टाइम आई डोंट नो मैं जब भी आपकी एवॉइड कार्ड देख रही थी टावर मूवमेंट कार्ड आया हुआ है एंड सेवन ऑफ कप्स में गेन बोल रहे थे कि ल्यूशन है फोगी है तो यहाँ पर स्प्रिट गाइड आपको कह रही है डिसेप्शन की एक, एक एनर्जी आ रही है कुछ टेम्पटेशन की एनर्जी आ रही है मेक श्योर sure आप एक हेल्दी बाउंड्री लगाइए ग्रुप नंबर वन मैं यहाँ पर अच्छा देखूंगी आपके लिए थैंक यू थैंक यू मैं स्प्रिट गाइड थैंक यू थैंक यू ओके स्पोर्ट्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपकी लाइफ में स्पोर्ट्स एक लीफ की एनर्जी बड़ी लीफ है कुछ लेट गो आप करोगे माय डियर ग्रीन आ, ग्रीन चक्रा है हार्ट चक्रा हीलिंग की एनर्जी आ रही है दिस इज़ एक्चुअली द स्टार एनर्जी तो डेफिनेटली यहाँ पर प्रतिष्ठा लेगर से क्रिएट होगी हार्ट चकड़ा हील होगी तो डेफिनेटली स्टार एनर्जी आपके लिए एक्टिव होगा दिस इज मून इज ऑल अबाउट इंट्यूशन टेलीपैथिक कनेक्शन एंड दिस इज छोटी सी एक व्हील ऑफ फॉर्चुनर में आपको बोल रही थी बेबी स्टेप्स में आपकी लाइफ में चेंजेस आ रही है एंड सी दिस दिस इज एक्चुअली नाव है एक बोट है बट ड्रीम लिखा हुआ है तो सम हाउ ड्रीम बहुत आएंगे माइंड मतलब एनर्जी में आपका एक, एक इमेजिनेटिव ड्रीमी कैरेक्टर मार्च थ्री हंड्रेड टू में मुझे दिखाई दे रही है थैंक यू दिस इज़ एक्चुअली रिंग बट ये रिंग जो है जेम्स से बनी हुई मुझे बहुत ज़्यादा ये सैटन की एनर्जी क्योंकि ये ब्लू जड़कन से बनी हुई ज, आ, रिंग है तो यहाँ पर एंगेजमेंट मैरिज होगा बट बहुत डीले से हो रही है मैरिज भी हो, हो रही बट बहुत डीले हो मतलब ऑलरेडी हो चुका है दिस इज़ एक्चुअली द पॉल एनर्जी पाल एक्चुअली मून की एनर्जी है माई डियर तो हाउ आपकी साइकिक पावर एक तो इनहस होगी मार्च में बट कोई आपको पाल समझेंगे बट पाल इज इल्यूशन अगेन बिकॉज ऑफ मून तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांस है डिसेप्शन की मैं अगेन यहाँ पर एक वार्निंग साइन नहीं है बट फिर भी एक रेड फ्लैक्स है सेवेंथ हाउस का एनर्जी है मैरिज एंगेजमेंट आपके पास ऑप्शन होगी माई डियर ओके दिस इज़ एक्चुअली टू टू मार्च ट्वेंटी टू इंपॉर्टेंट हो सकती है लेटर ए लिखी हुई है एंड ऑपोजिट में यहाँ पर एडवेंचर लिखा हुआ है ट्रैवल जर्नी हो सकती है शॉर्ट टू ट्रैवल एंड दिस इज एक्चुअली छोटी सी एक आउल है जो नॉलेज हायर विजडम हायर स्टडीज़ को यहाँ पर दिखाई दे रही है एंड हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है एक्चुअली थ्री की एनर्जी आ रही है फाइनेंशियल हेल्थ एंड एज वेल एज़ आपका मेंटल हेल्थ इशू वो रिकवर होगा गार्डनिंग की जरूरत है नेचर के साथ आप टाइम स्पेंड करो माय डियर दिस इज़ एक्ली योर नॉर्थ नोड लाइफ परपज के ट्रैक में सम हाउ आप बहुत ज्यादा सैक्रेड रिचुअल्स रेमिडीज मंत्र मेडिटेशन आप फॉलो करें यू माइंड आपकी नॉर्थ नोड बैलेंस हो रही है ओके दिस इज एक्चुअली नॉर्थ नोड एंड साउथ नोड बैक टू बैक आया हुआ है दिस इज रेयर मतलब एक ही रेडिंग में नॉर्थ नोट साउथ नोट आप कुछ रिलीज भी करोगे बिकॉज साउथ नोट कुछ रिलीज करने की भी बात करता है माइंड एयर अबंडस की भी बात करता है साउथ नोट पास लाइफ की भी बात करता है साउथ नोट एंड दिस इज एक्चुअली ब्लैक एंड व्हाइट एक कॉन्स्टेंट आपकी लाइफ में चल रहा है माइंड की ब्लैक एंड व्हाइट ब्लैक एंड व्हाइट वो चेंज नहीं हो रही है बट स्प्रिट गाइड आपको कह रहे हैं एडवेंचर कुछ ना कुछ यहाँ पर आपकी लाइफ में चेंज हो रहा है ड्रीम का एनर्जी एड आपको साइन दिखेंगे थ्रू ड्रीम थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर वन में मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे गॉड ब्लेस यू पहले ग्रुप टू आपने ब्लू गिफ्ट बॉक्स चूज किया है चलिए देखते हैं मार्च 2022 क्या चेंजेस आ रही है क्या ब्लेसिंग साड़ी में चॉम्प्स भी देखूंगी ओके okay? पहले स्टोडेस से दे, देखते ओवरऑल एनर्जी कौन सी हाउस कौन सी प्लानेट साइन आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी साइन का मतलब है साइन का एनर्जी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स है चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ आपके लिए मुझे ना मुझे बहुत ज़्यादा कोल्ड कफ़ की एनर्जी आ रही है जैसे मार्च टन टू में कुछ व्यूअर्स की फीवर हो सकता है कोल्ड कफ सीजन चेंज के साथ गला खराब होना आई डोंट नो मुझे कोल्ड कफ के ही यही शब्द मुझे यहाँ पर चैनल हो रही है आपके लिए थैंक यू थैंक यू मैं स्प्रीट काय ग्रुप नंबर टू के लिए थैंक यू क्या मैं सजेस ओवरऑल एनर्जी मार्च वनडी टू थैंक यू थैंक यू थैंक यू स्प्रीट का थैंक यू थैंक यू स्प्रेड गाय थैंक यू जूपिटर प्लूटो स्कॉर्पियो एंड एरीज एनर्जी हमेशा याद रखिए जब भी वाटर से फायर में सन जाते हैं फायर से वाटर में जाते हैं तब तभी बहुत ज़्यादा वायरस यहाँ पर फैलता है पृथ्वी में तो जब ये रैंडम चेंज होता है अचानक से सन एरीज में था सन जब नेक्स्ट में कोई ऐसे वाटर साइन में जा रही है कुछ ना कुछ ऐसे दिक्कत जब होती है तो डेफिनेटली ए पाइल में भी वो मौजूद है स्कॉर्पियो के बाद एवरीज एनर्जी दिस इज वाटर एंड देन फायर तो ह्यूज शिफ्ट क्योंकि स्कॉर्पियो के बाद अगर कोई आउटलेट साइन आता तो बैलेंस होता है एनर्जी तो यहाँ पर आपके लाइफ मतलब मार्च टन टू में कुछ रैंडम चेंज आपके लाइफ में मुझे नजर आ रही बिकॉज ऑफ प्लूटो लाइक ए राइजिंग ऐसा फिलेक्स राइजिंग का मतलब कोई डरावना चीज़ नहीं कोई वार्निंग रेड फ्लैक्स नहीं है एक्चुअली गुरु यहाँ पर मौजूद है तो गुरु का ट्रांजिशन वैसे गुरु अभी एक्यूरे साइन में है अप्रैल में जाकर उनकी साइन चेंज होगी पाइसिस में वो जाएंगे बट आप गुरु जाते जाते कुछ बड़ा चेंजेस मार्च टू में आपके लेकर आएंगे हो सकता है डी चार्ट में और आपका मून साइन अकॉर्डिंग गुरु आपके लिए बेनिफिक प्लानेट है तो जाते जाते बिकॉज जुपिटर एंड एयरीज एनर्जी फ्रूटफुल साइन जुपिटर अगर एयिज में है जुपिटर अगर स्कॉर्पियो में है बट सम प्लूटो कुछ आप परिवर्तन करोगे वो लाइफ स्टाइल हो कुछ एडिक्शन हो कुछ ना कुछ आप नया कुछ डालोगे डेली डेली टू मतलब डेली बेसिस में आप जो करते हो कुछ नया करोगे कोई नया प्रोडक्ट हो कोई नया ड्रेस हो प्लूटो का मतलब एक चेंजेस एंड रैंडम चेंज एब्रप्ट चेंज बिकॉज स्कॉर्पियो के बाद एवरीज एनर्जी कोई बहुत ज़्यादा इंटोवर्ट था अचानक से उसकी एनर्जी में एक शिफ्ट आएगी अचानक से वो बोलना शुरू करेंगे धीरे धीरे सोशल मीडिया में ग्रुप्स ज्वाइन करेंगे कुछ ऐप करोगे आउट ऑफ बॉक्स ए रीज एनर्जी आउट ऑफ बॉक्स कुछ करोगे बिकॉज स्कॉर्पियन अब लंबी टाइम से आप केज थे अचानक से आप कुछ कर रही हो लोग शॉक थोड़ी है ये पर्सन इतना क्यों बोल रहा है ये पर्सन मतलब इतना तो बोलता नहीं है ए आई एम दिस वन एट एंड दिस इज वन मतलब एक्चुअल में जुपिटर नंबर एट्टीन कार्ड है आई डोंट नो कार्ड फोकस क्यों नहीं हो रही है एट्टीन है एंड दिस इज एवरीज एंड स्कॉर्पियो नंबर एट्टीन तो वन एट नंबर एट्टीन मार्च में इम्पोर्टेंट हो सकती है आपके लिए एटीनथ मार्च फर्स्ट मार्च एट्थ मार्च एंड ट्वेंटी टू ट्वेंटी सेकेंड मार्च इंपॉर्टेंट हो सकती है आपके लिए एंड पर्टिकुलरली ट्वेंटी सेकेंड मार्च नंबर एंड एटीनथ मार्च कुछ जोड़ा जा रहे जैसे कुछ यू नो जुपिटर यहाँ पर नंबर एट्टीन में है एवरीज इज अ फायर एंड वाटर कुछ जैसे यूनियन मुझे नजर आ रही है बिकॉज एट थाउज दोनों ही मार्स का एनर्जी है एवरी इज एंड स्कॉर्पियो ही और ह्यूज मार्स एनर्जी बट मार्स ग्रुप वन के जैसे नहीं है थोड़ी स्टेबल है बिकॉज स्कॉर्पियो का जो वाटर है बहुत स्केयर वाटर है थैंक यू कुछ चेंज करोगे माइटी डियर यहाँ पर एरीज एनर्जी है एम्प्र की भी एनर्जी है एंड गुरु यहाँ पर मौजूद है कुछ कैरियर जॉब में जो है वो अपनी बॉस की तरफ से कुछ कंप्लीमेंट उनको मिलेगा कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाएगा बॉस हो प्रिंसिपल हो आपकी ऑफिस की कोई बड़ी सीनियर जो आ, पोजिशन में जो बॉस है मतलब कुछ ना कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको दिया जाएगा एंड आप उसको अच्छी तरह से निभाओगे कुछ व्यूअर्स के लिए यहाँ पर प्रमोशन है बिकॉज ऑफ गुरु एंड एविज ह्योर प्रमोशन है चलिए मैं यहाँ पर देखना चाहती हूँ मेजर रनर्जी थैंक यू कुछ व्यूअर्स के यहाँ पर शिफ्ट है मतलब रीलोकेशन uh, होगा वाटर से अचानक से फायर आया हुआ है यहाँ पर ह्यूज चेंज होगा थैंक यू थैंक यू बहुत टाइम से किसी चीज को लेकर आप डरी हुई थी करे या ना करे वो वो करोगे मार्च में जाकर किसी को कुछ बोलना हो कुछ ना कुछ आप करोगे माइडिया ग्रुप नंबर टू मार्च टू थैंक यू ग्रुप नंबर टू के लिए क्या मैसेजेस है मार्च टू अगर नाइन्थ हाउस लॉर्ड लग्न में है ये बहुत बड़ा राज्यों के महाभाग्यवान राज्यों के डियर नाइन्थ हाउस लॉर्ड इन लग्न और लग्न अगर लग्नेश अगर नाइन्थ हाउस में है डिसेट ओके okay. मुझे लगता है यहाँ पर डिसट डिप्राइवेशन वैलेंस एंड इन्वेंशन कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक एपिफनी तो एफी एंड लंबी टाइम से आपको शायद किसी ने धोखा वगैरह कुछ दिया है प्लूटो एनर्जी फिनिक्स राइजिंग ये से मार्च का एनर्जी नहीं है माइडर क्योंकि मार्च में दो सिमिलर काइंड ऑफ एनर्जी आया हुआ है बैलेंस एंड इन्वेंशन कुछ नया इन्वेंशन का मतलब ये प्लूटो एनर्जी जैसे कुछ क्रिएट कर रहे हो आप कुछ कुछ भी हो किसी भी फील्ड में कोई प्रोजेक्ट हो कोई बिजनेस हो कोई जॉब हो आप क्रिएट करने जा रही हो एंड ये आपकी लाइफ को बैलेंस करे सेवेंथ हाउस एनर्जी मैरिज का एनर्जी है बट ये जो दो कार्ड आया हुआ है बैक टू बैक डिसीड एंड डिप्राइवेशन आप वंचित थे जैसे आप वंचित थे लॉन्ग टाइम से सुख आपके पास नहीं था वो मेंटल पीस आपके पास नहीं था एंड डिसीट की एनर्जी आया हुआ है कोई फॉल मार्क्स पहन कर आपको धोखा वगैरह दिया है आपको उम्मीद थी बट उन्होंने उतना फीडबैक नहीं दिया उतना रिस्पॉन्स नहीं किया कुछ ना कुछ डिसीड एंड डिप्राइवेशन कार्ड है माई डियर ये आपका मार्च का एनर्जी नहीं है ये चला है आपकी लाइफ में क्योंकि ये एनर्जी मुझे नजर आ रही है ये चल रहा है माय डियर एंड सम ऑफ प्लूटो फिनिक्स राइजिंग एक कंफर्मेशन दे रही है थैंक यू मैन फोको पॉइंट थैंक यू बट सम हाउ मार्च में आपकी लाइफ में कुछ रिकवरी हो रही है लाइफ बैलेंस होने जा रही है एंड कलर की जो दो कार्ड आई हुई है कलर भी सेम है थैंक यू तो इसीलिए मुझे लग रही है एनर्जी लॉन्ग टाइम से चल रहा है डिसीट का ये कुछ छल कपट कुछ हुआ है आपके साथ थैंक यू ये बहुत करीब लोग भी कर सकते बिकॉज डिप्राइवेशन यहाँ पर कुछ करीब लोग भी कर सकते हैं डियर प्रॉस्पराइटी गाइड्स कुछ करीब लोग रिगार्डिंग मनी थैंक यू थैंक यू पोको पॉइंट मार्च ट्वेंटी टू थैंक यू पोको पॉइंट मार्च ट्वेंटी टू की मेन पोको पॉइंट थैंक यू थैंक यू मैन फोको पॉइंट थैंक यू थैंक यू मैं स्पीड गायट मीन पोको पॉइंट थैंक यू थैंक यू ओके एवॉइड क्या करना है थैंक यू एवॉड क्या करना है थैंक यू आई डोंट नो आप ग्रुप वन के साथ कंफ्यूज थे क्या थैंक यू एंड बॉट द डे वेटिंग ओके आपके लिए मेन फोको पॉइंट आया हुआ है मिलन कली एंड स्वीट हार्ट सिर्ट मिलन कली एंड स्वीट हार्ट मेन फोको पॉइंट यहाँ पर तन्हाई मुझे दिखाई दे रही है जो धीरे धीरे एक लेटर हाथ में है ये बहुत टाइम से वेट करे मिलन कली ट्यून में चल रहा है लाइफ अचानक से कोई लव लेटर इनको मिला है स्वीट हार्ट कहकर तो सब हाँ यहाँ पर एक लेटर आ रही है इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन आपकी लाइफ में आ रही है सिर्फ मैरिज या फिर रिलेशनशिप की बात नहीं हो रही लेटर हाथ में है वो किसी भी फील्ड का लेटर हो सकता है वो जॉब करियर रिलेशनशिप बट लेटर है इंपॉर्टेंट एंड सम हाउ एनर्जी मिलन कर ली से यहाँ पर ट्रांसफर हो रही है स्वीट हार्ट एनर्जी में कोई कह सकता है आपको माइडिया स्वीट हार्ट कुछ लेटर का देखिए आज के ज़माने में लेटर तो होता नहीं है सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में कोई मैसेज वगैरह कर सकते हैं मेल वगैरह हो सकती है कुछ ऐसे कुछ हो सकती है मार्च अंडर्ड टू में इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन एंड अवॉइड क्या करना है सी दिस इज जॉयफुलनेस एंड वीडो वार कोई ऐसे पर्सन एंड पर्टिकुलरली एक्स एक्स या फिर पहले किसी ऐसे पर्सन जी जिनका हस्बैंड का डेथ हुआ या फिर कोई डिवोर्सी पर्सन वो मेल फीमेल जो भी हो वो आपके साथ जॉयफुलनेस एंड विडोअर की एनर्जी मतलब ये अवॉइड करने के लिए कहा जा रही है तो सम ऐसे पर्सन से एडवाइस मत लीजिए माय डियर जिनका पास्ट हार्ट एक है एटलीस्ट मार्च अंडर्ट टू में कोई टेम्पटेशन है दे सकते रिगार्डिंग रिलेशनशिप बिकॉज जॉयफुलनेस एक प्लेजर मूवमेंट को दिखाई दिखाई दे रही है एंड विडोअर कोई खेल सकता है माई डियर आपके इमोशंस को लेकर तो मेक श्योर बिकॉज आपका एक डिसीट का भी एनर्जी उस उस साइकिल को रिपीट मत करो मैं यहाँ पर टाइट से भी देखना चाहती हूँ आपका मेन फोको पॉइंट एंड अवॉइड क्या करना है थैंक यू ग्रुप नंबर टू के लिए मेन फोको पॉइंट थैंक यू थैंक यू मस्ट पेट का थैंक यू मेन फोको पॉइंट थैंक यू ग्रुप नंबर टू के लिए मेन फोको पॉइंट थैंक यू थैंक यू मस्ट पेट थैंक यू मेन फोको पॉइंट थैंक यू या आई वॉन्ट ई टोल्ड यू माई आडिया दिस इज द कम्युनिकेशन रिबर्थ दैस वुल बी द मेन फोको पॉइंट ए इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन है माई आडिया दिस इज एक्चुअली गैपडियल बट मरकड़ी एनर्जी हियर वन मोर खार दिस इज एक्चुअली सेवन ऑफ शॉर्ट्स एनर्जी सी दिस किस व्यक्ति से आपके पास कम्युनिकेशन आ रही है मेन फोको पॉइंट में सेवन ऑफ शॉर्ट्स ऐसे एनर्जी के सामने से कम्युनिकेशन आ रही है जो डिसेप्टिव है एंड बैक ऑफ द डेस्क सेक्स ऑफ पेंटेकल्स एंड नाइट ऑफ शॉर्ट्स इनर्जी कितना ये आपको कमिटमेंट देंगे तो यहाँ पर एक डाउट है माई डेयर इवन फाइनेंस रिगार्डिंग भी कोई आपको टेम्पटेशन दे रही है मेक श्योर आप उनके बारे में पूरे इन्वेस्टिगेट करने के बाद ही आप साइन वगैरह कीजिए सेवन ऑफ शॉर्ट्स हैं यहाँ पर मैं देखना चाहती हूँ एवॉइड क्या करना है थैंक यू एवॉय क्या करना है थैंक यू ग्रुप नंबर टू का एवॉइड क्या करना है थैंक यू

चलेगा देन ब्लॉक हो जाएंगे कनेक्शन फिर से दिस इज द दारमेट एंड क्वीन ऑफ वॉर्न्स एनर्जी अगर आप मेटिमोनल साइट पे एडिटिंग ऐप्स में जो चमक रही है वो इंसान बहुत ज़्यादा अच्छा ऐसा नहीं है किसी की सूरत पे मत जाइए उनका इनर ब्यूटी कितना है कितना स्परिचुअली आउ कैन है वो पर्सन आप दोनों में स्परिचुअल मैंटेलिटी कैसा है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड खासकर आप अवॉइड कीजिए इस क्वीन ऑफ वॉन्स इज़ अ वेरी ट्रिक स्टार एनर्जी ये कभी भी आपकी लाइफ में इवन इट्स नॉट लाइक क्वीन इट किंग क्वीन जो भी है ये एनर्जी कुछ सब कुछ पाकर भी टॉप पिक पॉइंट पे ये जो क्वीन ऑफ वार्ट्स किंग ऑफ वॉन्ट्स होते हैं पिक पॉइंट पे पहुंचने के बाद भी ये दूसरी और देखता है कुछ और हो जाए तो अच्छा होगा बढ़िया होगा तो ये वो क्वीन है इस क्वीन के पास सब कुछ होने के बाद भी इनको और भी चाहत बढ़ जाती है सो मेक श्योर यहाँ पर टेम्पटेशन पे कोई आप ट्रैप ट्रैप्ट हो सकते हो किसी के टेम्पटेशन पे आकर टेम्पटेड होकर ट्रैप्ड होना अगर मैं सिंपली कहूँ तो बचिएगा इस एनर्जी से अगर आप दीक्षा भी ले रहे हो किसी पर्सन के साथ वो कितना एक्चुअल में वो गुरु बनने के लायक है या फिर रियली वो गुरु है या नहीं जानकर उनके पास दीक्षा लीजिए या फिर कोई गाइडेंस लीजिए पूरी छानबीन करने के बाद मैं यहाँ पर देखूंगी मेन एनर्जी टैरोट से देखूंगी चलिए मार्च थ्री हंड्रेड टू वाट्स कमिंग नेक्स्ट थैंक यू मार्च थ्री टू प्रूफ नंबर टू के लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं थैंक यू मैं चांस भी देखूँगी आपके लिए फॉर्चून कार्ड भी देखूँगी थैंक यू मार्च ट्वेंट्री ट्वेंटी टू थैंक यू थैंक यू मस्त गायट थैंक यू क्या ब्लैसिंग टू में थैंक यूं थैंक यूं थैंक यू डेस्टनी नंबर टेन व्हील ऑफ फॉर्चून तकदीर बदलने जा रही है नंबर वन कुछ साइकिल कंप्लीट होने जा रही है तो मैं श्योर sure इस एनर्जी से बचिएगा क्योंकि जब आप इस एनर्जी में मौजूद होंगे बहुत सारे लोग आ जाएंगे ऑटोमेटिक आप अट्रैक्ट करोगे दिस इज एक्चुअली डिसकंटेंट एंड बोड डम दिस इज एक्चुअली योर मतलब प्रोसेस जो लंबी टाइम से चल रही है फोड़ ऑफ कप्स एनर्जी एक बोट वाली एनर्जी लाइफ चेंज नहीं हो रही है ओके थैंक यू मस्ट पेट का थैंक यू एंड सी दिस लाइफ चेंज नहीं हो रही मेरी लाइफ में न्यू बिगिनिंग्स नहीं आ रही है दिस इज एक्चुअली फूल द न्यू बिगनिंग्स एनर्जी कुछ नया शुरुआत प्लूटो फिनिक्स राइजिंग एंड दिस इज द हारमनी ब्लेसिंग्स एयर दिस इज योर ट्रू लव दिस इज योर ट्रू सो में दिस इज योर ट्रू टू फ्लेम बट कुछ फॉल्स भी आप अट्रैक्ट करोगे इनके साथ यहाँ पर डुअल एनर्जी नज़र आ रही मतलब दो तीन एनर्जी मुझे मतलब मोर देन टू एनर्जी मुझे नजर आ रही है आपकी लाइफ में मार्च में आप अट्रैक्ट करोगे तो मेक श्योर आप अपनी इंट्यूशन के थ्रू से आप यहाँ पर काम करें ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए बिकॉज लॉन्ग टाइम से आप इस एनर्जी में हैं इस बोडम वाले एनर्जी में आप मौजूद हैं थैंक यू मैं कर मैं यहाँ पर फॉर्चून कार्ड से देखना चाहती हैं आपके लिए क्या मैसेज है थैंक यू ग्रुप नंबर टू के लिए देन मैं चाम्स देखूंगी थैंक यू स्पीड का है थैंक यू ग्रुप नंबर टू के लिए क्या मैसेजेस हैं थैंक यू मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी टू थैंक यू थैंक यू मै स्पीड गाइड मार्च 2022 योर फर्स्ट मैसेज ट्रैवल तो यहाँ पर एक लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन विल ओपन अप योर लाइफ एंड एक्साइटिंग एक्सपीरियंसेस फॉर सिंगल्स एंड कैरियर एडवांसमेंट फॉर अदर्स तो कैरियर एंड सिंगल दोनों के लिए यहाँ पर अपॉर्चुनिटी आ रही है लॉन्ग डिस्टेंस से कम्युनिकेशन एंड दिस इज पर्सनल रीचेस स्मॉल सक्सेस आर लाइकली नाउ बिगर वन आर ऑन द वे फाइनेंसेस कुड इम्प्रूव ड्रामेटिकली बट अवॉइड गेट रिच स्कीम यस आपकी लाइफ में छोटी छोटी अगर आपको आज सौ रुपये मिल रही है तो उसी में खुश रहो स्पीड गाइड आपको कह रहे बहुत बड़ी कुछ दिया जाएगा आपको स्पीड गाइड के पास वो प्लान है बट जो रिच स्कीम होती है ना कि दो दिन में डबल हो जा हो जाएगा चीज़ें बचिएगा बिकॉज एनर्जी मौजूद है यहाँ पर

डेटिंग एप्स कम्युनिकेशन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंपॉर्टेंट होगी माय डियर नंबर थ्री रूल बाय गुरु जुपिटर एनर्जी होती है तो समहा गुरु की ट्रांजिशन आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी मार्च वन टू में गुरु जाते जाते एक्यूरे जब पाइसिस में जाएंगे जाते जाते कुछ देख कर जाएंगे लेटर एस बनी हुई है बट लिखा हुआ है द सन एनर्जी म, मैं जब आपकी रीडिंग कर रही थी एक सन कार्ड भी मुझे दिख रही थी मैं, जब मैं टैरोट से देख रही थी दिस इज एक्चुअली द सन कार्ड सन तो सक्सेस छोटी छोटी सक्सेस आजर, अगर आपको लग रहा है कि छोटी मोटी सक्सेस मुझे मिल रही है बड़ा कम मिलेगा इंतज़ार कीजिए कोई बड़े डिसीजन मार्च वन टू में मत लीजिए दिस इज एक्चुअली टेडी एनर्जी है टेडी बहुत ही एक मासूम एक चाइल्डिस एनर्जी है सम्हा कुछ गिफ्ट्स वगैरह आपको कोई दे सकता है एंड चाइल्ड हुड फ्रेंड इंपॉर्टेंट हो सकते आपके लिए चाइल्ड हुड फ्रेंड आपके साथ कॉन्टैक्ट करें दिस इज एक्चुअली अगेन द सन एनर्जी दिस इज नॉट स्टार दिस इज एक्चुअली द सन एनर्जी टू टाइम सन एनर्जी है माई डियर यहाँ पर सक्सेस मुझे दिखाई दे रही है कैरियर जॉब रिगार्डिंग मैं पहले से बोल रही थी कैरियर जॉब रिगार्डिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एंड सी दिस इज एक्चुअली द फ्लेक्सिबिलिटी इलास्टिसिटी तो समहाओ कोई एनर्जी आपकी लाइफ में आ रही है बिल्कुल इसके साथ चिपकी हुई है थैंक यू दिस इज एक्चुअली फ्लेक्शिबल कोई एनर्जी आपकी लाइफ में आने जा रही है और समाह आपकी एनर्जी में वो फ्लेक्सीबिलिटी आ रही है आप लंबी टाइम से बोडम एनर्जी वाली थी रिजिड थी एनर्जी वो धीरे धीरे फ्लेक्शिबल हो रही है दिस इज एक्चुअली गिफ्ट्स बुके दिस इज एक्चुअली गिफ्ट्स एनर्जी हियर सो डेफिनेटली यहाँ पर गिफ्ट्स की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रही बुके गिफ्ट्स एंड दिस इज योर इंट्यूशन मून एनर्जी हियर तो इंट्यूशन आपकी काफ़ी स्ट्रॉग होगी थर्ड ए चकड़ा ओपन हो सकते हैं माई डियर ओके थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस यू हेलो ग्रुप नंबर थ्री वेलकम आपने एंजल चूज किया है मार्च 2022 आपके लिए क्या चेंजेस आ रहे हैं क्या ब्लेसिंगस आ रही है डू Do, डोंट क्या आपके लिए फोको पॉइंट होगा क्या आपको अवॉइड करना है मैं चार्म्स भी देखूंगी फॉर्चून कार्ड भी देखूंगी आपके लिए चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ एस्टोडेक से पहले देखते हैं अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स है चलिए देखते हैं ग्रुप नंबर थ्री मार्च ट्वेंट्री ट्वेंटी टू थैंक यू थैंक यू थैंक यू ग्रुप नंबर थ्री थैंक यू थैंक यूं थैंक यू मो थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू मस्पेट का थैंक यू सेवन्थ हाउस एंड नाइन्थ हाउस की एनर्जी आ रही है सेवन्थ हाउस एंड नाइन्थ हाउस सेवन्थ हाउस मैरिज ऑंड बिजनेस का है नाइन्थ हाउस भाग्य का है हायर स्टडीज का है वर्ष से जर्नी का है स्पिरिचुअल वर्क का है किसी को गुरु मिल सकता है यहाँ पर कोई हायर स्टडीज करेंगे थैंक यू फाइ सीज एनर्जी कैन सर्व ह्यूज वाटर इ आह शनिदेव एंड स्कॉर्पियो एंड बट द डेक क्या आप कौन शनिदेव हा भी है मतलब मेन प्लान शनिदेव है माई डियर एंड पाइसिस इमोशनल विथड्रॉल फिजन को जस्ट सी पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो तीनों ही वाटर एनर्जी आपकी एनर्जी में मौजूद हो गई जैसे इमोशंस आर रनिंग हाई ग्रुप नंबर थ्री जिन्होंने भी ग्रुप नंबर थ्री की पायल को चूज़ किया है मार्च ट्वेंट्री नाइन टू में आपके इमोशंस हाई रहेंगे आपकी इंट्यूशन टॉप में होगा माय डियर आपके थर्ड आई चक्रा के जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होगा जो स्टेजेस में ओपन होते हैं वो बहुत ज़्यादा फास्ट होगा यहाँ पर कुछ व्यूअर्स स्परिचुअल वर्क करेंगे कुछ व्यूअर्स ट्वेल्थ हाउस विदेश का भाव है लिटरली यहाँ पर मुझे जर्नी नज़र आ रही है हाई स्टडीज के थ्रू से जर्नी नजर आ रही है वो मौका उनको मिलेगा एंड दिस इज एक्चुअली ह्यूज वाटर बिकॉज स्पाइसिस समुद्र में रहने वाले वो जो गहरे समुद्र में जो पानी होती है दैट इज पाइसेस कैंसर जो कुमंडल से जब हम शिवलिंग में जो पानी डालते हैं ना जो जो प्रवाह होती है वो कैंसर है एंड स्कॉर्पियस इज ए स्केरी वाटर जिस वाटर के नीचे मगरमच्छ होती है क्रोकोडाइल होती है स्केयर जहाँ पर कोई प्रवाह नहीं है एक स्टैंड स्टिल वाटर कोई प्रवाह नहीं है तो यहाँ पर ये पूरी एक व्यूअर्स की एनर्जी नहीं है क्योंकि यहां पर बहुत सारे व्यूअर्स हैं मुझे लग रहा है कुछ व्यूअर्स में प्रोमिनेंट पाइसिस एनर्जी हावी होगा किसी के लिए कैंसर किसी के लिए स्कॉर्पियो स्कॉर्पियर द मेन प्लान इज अ सैटन हियर तो यहाँ पर लेसन आप लर्न करो एंड कर्मा शायद साथ सैटन आपके लिए मार्च ट्वेंटी टू में इंपॉर्टेंट होगा आप किसी को अच्छी तरह से कुछ लेसन और सामा कुछ एडवाइस आप दोगे एंड कुछ लोग आपके पास सलाह लेने के लिए आएंगे सैटन आचार्य की एनर्जी कर्मा की एनर्जी है माइट हियर कुछ व्यूअर्स के लिए यहाँ पर मुझे थोड़ा इमोशनल विथड्रॉल फेजेस नज़र आ रही है एंड स्कॉर्पियो एनर्जी है यहाँ पर ये यह कुछ हिडन एक्टिविटी मुझे नज़र आ रही है डार्क रूम पे बैठकर कुछ हिडन एक्टिविटीज़ कुछ रिचुअल्स हो होम मेड uh, कुछ रिचुअल्स भी आप अप्लाई कर सकते हो और कुछ व्यूअर्स सैक्रो रिचुअल्स अप्लाई करेंगे नो डाउट बिकॉज ट्वेल्थ हाउस एंड एथ हाउस नो डाउट यहाँ पर आप कुछ मतलब सैक्रो रिचुअल्स करोगे रेमेडीज करोगे हो सकते सैटर्न को ठीक करने के लिए सैटन से जुड़ी हुई रेमेडीज कर किसी के लिए सैटन का महत्व प्रत्यंतर इम्पॉर्टेंट होगा सुष्मांतर इम्पॉर्टेंट होगा मार्च टन ट्वेंटी टू में ग्रुप नंबर थ्री के लिए सैटन इज अडमिनिस्ट्रेटिव पोजिशन सैटन इज अ टेंथ हाउस कैप्टिकॉन एनर्जी तो यहाँ पर कैरियर जॉब रिगार्डिंग एनर्जी पॉजिटिव बिकॉज एथ हाउस परमानेंट सेटलमेंट इन विदेश एंड दिस इज द योग हियर पास इज ट्वेल्थ हाउस पॉसिबल है आपके लिए घर से दूर किसी को अपॉर्चुनिटी मिले थैंक यू मैं स्पेट का थैंक यू ले मेन एनर्जी थैंक यू ओ थैंक यू क्या बात है कार्ड उछल क्यों रही है आपके रीडिंग में थैंक यू थैंक यू वो तो होगा ही यहाँ पर वाटर एनर्जी है थैंक यू रूप नंबर थ्री के लिए मार्च ट्वेंटी टू मेजर एनर्जी थैंक यू थैंक यू थैंक यू मैं का थैंक यू थैंक यू मस्पेट थैंक यू थैंक यू मस्पेट थैंक यू थैंक यू थैंक यू मस्पेट गायड मैं बोल रही थी माय डियर आपका इंट्यूशन एंड पार्टनरशिप एंड लव कार्ड आया हुआ है बट लॉन्ग टाइम से शायद आप, आप, आप पार्टनरशिप लव रिगार्डिंग डिप्राइव्ड आप फील करते हो क्या वंचित है फाइनेंस रिगार्डिंग भी आप बहुत टाइम से स्ट्रगल करी हो बहुत टाइम से एंड आपका मेन एनर्जी दिस इज इंट्यूशन वो तो ह्यूज वाटर एनर्जी होने की वजह से एक कार्ड आना ही था हमारे लिए दिस इज इंट्यूशन एंड दिस इज पार्टनरशिप एंड लव का डे मैरिज का एंगेजमेंट का एनर्जी है टेलीपैथिक कनेक्शन आप फील करेंगे आपके पर्सन के साथ बिकॉज ह्यूज वाटर एंड तीनों वाटर यहाँ पर मौजूद है वो स्कैरी हो वो वो सी का हो या फिर वो एक सुंदर प्रभाव जिसे कहते हैं ना वो सिवलिंग में जब हम पानी डालते हैं जो प्रवाह है वो है कैंसर एनर्जी सुकून का एनर्जी बुराहत का एनर्जी तो यहाँ पर ये तीनों एनर्जी मौजूद है कुछ व्यूअर्स के लिए ये दो एनर्जी मैक्सिमम हो सकते बट तीनों एनर्जी मार्च टन टू में किसी एक व्यूवर के लिए नौ बट यहाँ पर मैरिज एंगेजमेंट दिखाई दे रही है रिलेशनशिप में कुछ दिक्कतें चल रही थी वो भी सॉल्व होने जा रही है चलिए देखते हैं थैंक यू बट इंट्यूशन आपका पिक पॉइंट पे होगा थैंक यू थैंक यू मस्पीट का थैंक यू आप आभास करोगे माय डियर कुछ समथिंग इज कमिंग बिकॉज स्कॉर्पियन इन ट्यूशन समथिंग इज कमिंग विद पाइसिस किसी को गुरु मिल सकता है मुझे यहाँ पर स्ट्रॉन्गली वो नजर आ रही है एंड मैं आपको पहले रीडिंग की शुरू से मैं आपको बोल रही थी सेवन थाउस मैरिज पार्टनरशिप एंड दिस इज द कार्ड हियर एंड एक्चुअली नाइन्थ हाउस का जो एनर्जी होती है वो गुरु का एनर्जी होती है हाई स्टडीज करनी द सैटन हेयर थैंक यू मस्पि थ्री की मेन फोको पॉइंट थैंक यू थैंक यू वाइफ मेन फोको पॉइंट फर्टिलिटी वाइफ किसी का वाइफ बनना है या फिर आपकी वाइफ इंपॉर्टेंट है मैरिज इंपॉर्टेंट है मेन फोको पॉइंट फर्टिलिटी इंपॉर्टेंट है बच्चे हैं मतलब एक एम्प्रेस का एनर्जी है थैंक यू मेन फोको पॉइंट थैंक यू थैंक यू थैंक यू एंड सर्विस के एनर्ज ओके थैंक यू यहाँ हमारा कैरियर जॉब भी मेन फोको पॉइंट है ओके okay, एंड कोई अपनी प्रोफेशनल फील्ड एंड अपनी हाउस होल्ड वॉक इन दोनों में बैलेंस करेगा मेन फोको पॉइंट रहेगा थैंक यू थैंक यू मैं स्पीड कार्ड थैंक यू एवॉयड क्या करना है थैंक यू मैं टैब से भी देखूँगी एवॉयड क्या करना है रुप नंबर थ्री को एवॉइड क्या करना है मार्च ट्वेंटी टू में थैंक यू थैंक यू मैं स्पीड कार्ड मनी मनी के पीछे भागने की एनर्जी है ओके okay. थैंक यू ओके तो यहाँ पर फोको पॉइंट में वाइफ है अवॉइड में मनी है तो शायद स्पीड गाइड कह रहे कि थोड़ा फैमिली को देखूँ सर्विस के पीछे मत भागो एंड दिस इज़ एक्चुअली होप एनर्जी मनी एंड होप तो मतलब छोटी छोटी जो सक्सेस है उनमें आप खुश नहीं हैं आपको बहुत बड़ी रकम चाहिए मतलब लकपति नहीं बनना है मतलब उससे क्रॉस कर का मतलब एक बार में ही करोड़पति बनना है यहाँ पर बहुत कुछ व्यूअर्स भी है दिस इज़ एक्चुअली कन्वर्सेशन एनर्जी हेयर ओके मैं यहाँ पर टैट से देखूंगी पहले ओके okay, आपके लिए फोको पॉइंट ओके माई डियर मनी एंड होप कार्ड आपके एवॉइड में आया हुआ है छोटे छोटे जो मनी की जो स्कीम आते हैं ना लोग कहते हैं कि मनी डबल हो जाएगा मतलब सात दिन में मेक मैक्स्योर आप इस एनर्जी से बचिएगा मनी रिगार्डिंग टेम्पटेशन से बचिएगा स्पीड गाइड मार्च में आपको कह रही कि मनी के पीछे मत भागो थोड़ी फैमिली की तरफ फोको पॉइंट रखो रिलेशनशिप की और फोको पॉइंट रखो थैंक यू मेन फोको पॉइंट थैंक यू मार्च टू मेन फोको पॉइंट

ये ये जो डेविल है ना ये पूरी तरह से फाइनेंस से हाई सेक्शुअल एनर्जी हो वो एंटीमेसी हो प्लेजर मूवमेंट हो इन सारे चीज़ों में ये व्यस्त है स्प्रिट गाइड करे कंप्लीट दिस एंड एटलीस्ट मार्च 2022 में आप बहुत ज़्यादा सर्विस अगर आप ऑलरेडी वर्क फील्ड में हैं मैं उसके उन लोगों के लिए बात कर रही हूँ शायद फैमिली की और थोड़ी अटेंशन देने की आपको जरूरत है एंड जो सिंगल है जो वर्क या फिर कैरियर जॉब के लिए आप इस रीडिंग को देख रही हो माई डियर तो साम आपको थोड़ी रेस्ट की ज़रूरत है थोड़ी रेस्ट रिट्रीट रिचार्ज की ज़रूरत है दिस इज द नाइन ऑफ वॉन्ट्स पट्टी पट्टी बांधी हुई है इस एनर्जी की वजह से आपको घाव मिली है वो वो रिट्रीट कीजिए नेक्स्ट साइकिल के लिए रेडी हो जाए एनर्जी रेडी हो जाए रिचार्ज हो जाए देन अप्रैल में आप सोचेंगे थैंक यू मस्ट पेट काय थैंक यू बट कुछ व्यूअर्स के लिए यहाँ पर हायर स्टडीज़ के लिए एक अपॉर्चुनिटी आएगा मैं अगेन कह रही हूँ यहाँ पर बिकॉज ऑफ वर्ल्ड एनर्जी हियर देखना चाहती हूँ अवॉइड क्या करना है टेम्पटेशन को अवॉइड ज़रूर कीजिएगा माई डियर टेम्पटेशन को थैंक यू अवॉइड क्या करना है थ्री को वॉल कार्ड मैरिज का भी कार्ड है माई डियर थैंक यू लॉन्ग टाइम से हो सकता है आपको वेट चल रहा है बिकॉज नाइन ऑफ वॉन्ट्स का मतलब लॉन्ग टाइम से वो सफर चल रहा है थैंक यू से आपको अवॉइड क्या करना है पेज ऑफ पेंटिंग से फर्स्ट कार्ड आपका गिरा था सिक्स ऑफ कप सिक्स ऑफ कप मतलब आपका पूरा कप ये भर देंगे एम्परर बट दिस इज़ नॉट एक्चुअली एम्परर एनर्जी एंड कोशिश कीजिएगा जो आपकी सीनियर बॉस है घर के पिता जो आपके पिता हो कोई मेल फिगर हो ऐसे लोगों के साथ बहुत ज़्यादा क्यावस कन्फ्लिक्ट से बचिएगा दो लोग झगड़ा करें बीचों बीच आप अपने आप को इन्वॉल्व ना करें एंड ये जो एनर्जी है ये एनर्जी हो सकती है आपके पास्ट की कोई एनर्जी हो सकती है माइंड वो एक ह्यूज चांस मुझे नज़र आ नजर आ रहा है बिकॉज दिस इज एक्चुअली डिवाइन काउंटर पार्ट नहीं है फॉल्स है कुछ ना कुछ टॉक्सिसिटी जुड़ी हुई है सिक्स ऑफ कप्स अगेन वो रिटर्न कर रहा है तो मैक श्योर sure इस एनर्जी से बचिएगा खासकर बात अगर मनी रिगार्डिंग है तो यहाँ पर आपको सेकेंड ओपिनियन या फिर सेकेंड थाट लेने की ज़रूरत है माइट है बिकॉज क्वीन ऑफ शॉर्ट्स हेयर एंड नाइट ऑफ पेंटेगल्स इनका कोई भरोसा नहीं है ये दो एनर्जी ही डिसिप्टिव है ये दोनों ही दिमाग से सोचता है दिल का नहीं तो ये अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकता है याद रखिए चलिए देखते हैं यहाँ पर टैट से थैंक यू उसके बाद मैं फॉर्चून कार्ड देखूंगी कि ब्लेसिंग्स क्या आ रही है ओके थैंक यू थैंक यू मैं स्ट्रीट गाइड बट दिस एनर्जीज आर माइनर माइडिया तो इतना चिंता करने की जरूरत नहीं है ग्रुप नंबर थ्री थैंक यू मेन एनर्जी थैंक यू ब्लेसिंग्स क्या आ रही है ग्रुप नंबर थ्री के लिए थैंक यू मार्च ट्वेंटी टू ब्लैसिंग्स क्या आ रही है थैंक यू ओके okay, ओके okay. एक कार्ड जंप हुई है दिस इज़ हार्मनी मैं आपको बोल रही थी वर्ल्ड कार्ड मैरिज का कार्ड है आपको परफेक्ट पार्टनर मिल सकते हैं डियर दिस इज द हार्मनी कार्ड थैंक यू दिस इज एक्चुअली लवर्स कार्ड थैंक यू थैंक यू ओके न्यू बिगनिंग्स मैं आपको बोल रही थी ना दिस इज एक्चुअली द वर्ल्ड कार्ड एक साइकिल कंप्लीट के बाद एक नया साइकिल शुरू होना ये टैरोट की मेजर अटकना में लास्ट कार्ड है एंड ये आपकी फर्स्ट कार्ड है दिस इज द फुल न्यू बिगनिंग सीयर थैंक यू मस्ट पेट है थैंक यू थैंक यू थैंक यू मैं और एक कार्ड देखूंगी थैंक यू इमोशनल विथड्रॉल दिस इज एक्चुअली नंबर एट ये फिजिस आपका चला है दिस इज एक्चुअली माइनर क्योंकि दो मेजर अड़कना आया आया हुआ है दिस इज एक्चुअली माइना अड़कना इमोशनल विथ्रॉल एट ऑफ कप्स एनर्जी कुछ लेट लेडको करने की एनर्जी है शायद ये एनर्जी को लेट लेडको करने की जरूरत है माई डियर कुछ टेम्पटेशन हो कुछ नेगेटिविटी हो इवन कुछ बैड हैबिट्स फूड हैबिट्स आप लेडको करो एंड बॉटम ऑफ द डेक्स दिस इज एक्चुअली द डेफिल एनर्जी एंड द वेटिंग गेम मेक श्योर माई डियर ट्रूथ वेटिंग गेम एंड द डेफिल एनर्जी हियर आपको शायद और भी शैडो वर्क करने की जरूरत है यहाँ पर ट्रू सोलमेट मौजूद है बट द डेविल यहाँ पर एक शैडो क्रिएट करी है एंड अपनी ट्रू सोलमेट जो है ट्रू आ, ट्रू एंड फ्लेम जो है उनको ये हाइट कर देता है पूरी तरह से दिस इज द डेविल एंड टू टाइम्स आई आई थिंक आपकी डेविल कार्ड आया हुआ है डियर ये नेगेटिविटी हो सकते पास्ट के कुछ ऊंस हो सकते जो आपको लेट लटको करने की जरूरत है पास्ट में कोई धोखा दिया है उसी चीज़ को आप अगेन एंड अगेन आपकी फ्लैशबैक होती है ये पास की कुछ मेमोरी है डियर स्पीड गाइड करे जस्ट लेटको दिस एनर्जी अगर पास की एनर्जी है जस्ट लेटको पास की कुछ घाव है मेमोरी है उसको लेटको करने की जरूरत है ओके थैंक यू मस्पीड काय चले मैं यहाँ पर फॉर्चून कार्ड से देखूँगी थैंक यू थैंक यू थैंक यू मस्पीड काय थैंक यू फॉर्चून कार्ड थैंक यू ग्रुप नंबर थ्री मार्च ट्वेंटी टू थैंक यू थैंक यू जैसे कोई रिलेशनशिप खत्म होने को मतलब खत्म हो चुका है कोई और तरफ से एक डोर ओपन होने जा रही है अदर कुड ब्लूज एंड बिकम स्ट्रॉगर दैट्स वॉय आपका जो टैरो स्प्रेड आया हुआ है कि कुछ अब रिलीज करोगे दूसरी और एक डोर ओपन हो रही है ब्यूटीफुल बर्न आउट योर हार्ड वर्क विल सी रिजल्ट बट योर हेल्थ नीड्स टू बी मेनटेन सो चेक इन विथ योर डॉक्टर डेंटिस्ट हेल्थ प्रोफेशनल एंड ट्राई टू मेंटेन ए हेल्थी लाइफ स्टाइल मुझे लग रहा है कि कुछ एडिक्शन आप लंच आप डिनर ब्रेकफेस्ट ब्रेकफास्ट टाइम पे करते रह स्किप करते हो तो हेल्थ रिगार्डिंग ए वर्निंग साइन है बट समहा आपके हार्ड वर्क यहाँ पर रिवॉर्डेड हो रही है बिकॉज ऑफ सैटन एनर्जी कर्म का फल मिल रहा है जैसा आपने किया है वो मिलने जा रहे हैं एंड दैट्स द सन साइन एनर्जी सक्सेस एनर्जी द सन इज साइनिंग ऑन यू कैरियर बिजनेस ग्रोथ फैबुलस कम्युनिकेशन इन रिलेशनशिप दिस इज द हर लवर्स कार्ड हियर माई डियर तो सन साइन सैटन यहाँ पर कर्म का फल देने के लिए यहाँ पर मौजूद है आपको तकलीफ में डालने के लिए नहीं ओके okay? चलिए मैं यहाँ पर आपके लिए चॉम्प्स देखूंगी थैंक यू ठीक है थैंक यू मैस बेट गाइड ओके और कुछ चांस देख लेते हैं थैंक यू आई डोंट नो मुझे यहाँ पर इलेवन दिखाई दे रही है दिस इज एक्चुअली इलेवन लिखा हुआ है बट बैक ऑफ द डे ओके दिस इज इलेवन दिस इज एक्चुअली लवर्स एनर्जी ओके दिस इज़ फुल मून एनर्जी यहाँ पर बॉटल मैसेज में है कमिटमेंट आपके लिए कमिटमेंट आ रही है ओके लेटर सी लिखा हुआ है दिस इज़ एक्चुअली कैट कैट इज़ हाई इंट्यूशन एनर्जी मतलब इंट्यूटिव एनर्जी एज वेल एज हाई सेक्सुअल एनर्जी एंड दिस इज़ टू टू इलेवेन्थ टू टू इंपॉर्टेंट हो सकती है टू टू ओके मार्च की एलेवेंथ इलेवन मार्च ट्वेंटी सेकेंड मार्च ए रिंग की एनर्जी है तो हो सकता है यहाँ पर मैरिज एंगेजमेंट एंड सी दिस इज एक्चुअली ब्लू जर्कन से बनी हुई रिंग है तो जो सेटन की एनर्जी है बहुत टाइम से मैरिज की कोशिश चल रही थी बट तय नहीं हो रही दिस इज एक्चुअली हार्ट रोजेस के एनर्जी है थैंक यू एंड पॉल एनर्जी यहाँ पर कुछ एनर्जी हील हो रही है माई डेयर दिस इज एक्चुअली मून एनर्जी एल्यूशन धीरे धीरे रिलीज हो रही है आपकी लाइफ में एंड दिस इज स्टार एनर्जी हेयर अगेन हीलिंग की ही एनर्जी है माइंड हेयर एंड बहुत लंबी टाइम से कुछ ऊन्स को आप झेल रही हो मुझे यहाँ पर वो भी वाइब्स आ रही है एंड फुल ऑफ फॉर्चून हेयर समय की पहिया घूम रही है माइड एंड दिस इज एक्चुअली येलो हॉर्स तो गुरु की एनर्जी है बट हॉर्स स्पीड फ्रीडम की एनर्जी है तो जुपिटर विथ फ्रीडम तो सम हाउ लक प्रोस्पेक्ट या नाइन्थ हाउस एक्टिव हो रही है ट्राइंगल सिचुएशन ट्राइंगल सिचुएशन का मतलब ही है यहाँ पर कुछ ऐसी सिचुएशन आपकी बनी थी त्रिकोण का एनर्जी है तो कुछ ऐसे थर्ड पार्टी एनर्जी कुछ व्यूअर्स के लिए बना हुआ था एंड लीफ एनर्जी आप लेट को करोगे आप इस एनर्जी को लेट को करोगे एंड मुझे यहाँ पर ना वो महा महादेव के शिवलिंग के ऊपर जो बेलपत्र चढ़ाया जाता है ना मुझे वो एनर्जी आ रही है कोई रेमेडी सैकड़े रिचुअल्स आप फॉलो करेंगे माय डियर एंड वो वर्क भी करेंगे आपके लिए एंड दिस इज़ टू टाइम फुल मून की यहाँ पर एनर्जी में कुछ और चांस देखना चाहती हूँ आपके लिए थैंक यू मस्ट बीट का थैंक यू नंबर टेन आया हुआ है एंड टू टाइम्स स्टार एनर्जी है एंड यहाँ पर हीलिंग होगी कोई सेशन थ्रापी आप लेंगे लोग आपको शाइन करते हुए देखेंगे दिस इज एक्चुअली द पिकक एनर्जी हियर एंड बर्ड्स की एनर्जी है ए फ्रीडम मैसेज आना पर्टिकुलरली लॉन्ग डिस्टेंस से कम्युनिकेशन होना मास्टर बुद्धा का हेड है ये एक्चुअली तो यहाँ पर सम हाउ स्परिचुअल आउकेनिंग के स्टेज फास्ट होगी माई डियर ओके मैरिज कार्ड है यहाँ पर मैरिज कार्ड है यहाँ पर एंड एलिफेंट की एनर्जी ये हायर नॉलेज को दिखाती है बेबी एलिफेंट है फर्टिलिटी भी स्ट्रांग होगी माय डियर एंड टू टाइम्स विल ऑफ़ फॉर्चून एंड दिस इज टू टाइम लीफ की एनर्जी है एंड ये एक्चुअली लीफ नहीं है एक्चुअली एंजल विंग्स है तो आपको फीदर भी बहुत ज़्यादा दिखाई दे सकती है माई डियर फेदर्स एंड लीफ कुछ लेट गो आप करोगे तो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर थ्री मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे गॉड